हेलो दोस्तों दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ में। और दोस्तों आज है मेरे पास में रियलमी 7, वहीं दूसरा फ़ोन है रेडमी K20 Pro। जी हाँ दोस्तों, रेडमी K20 Pro। चलिए एक बार आपको दोनों ही फ़ोन के एवर फोन में दिखाने वाला हूँ। अगर बात करें मेरे पास कौन कौन से वेरियंट के फ़ोन है, तो भाई मेरे पास रियलमी 7 जो है वो मेरे पास है 6 GB RAM और वहीं 64 GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरियंट है। अगर बात करें रेडमी K20 Pro की, तो भाई ये मेरे पास 8 GB RAM और वहीं 256 GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरियंट है। तो मैंने दोनों फ़ोन का एवर्ड फोन लगा हुआ आपको दिखाई दिया है, बैक साइड से भी मैंने आपको दिखा दिया है। चलिए एक साथ पबजी पर टैप करने वाले हैं और देखने वाले हैं पबजी कौन से फ़ोन में पहले ओपन होने वाला है और दिखाने वाले हैं कौन कौन से फोन से ग्राफिक्स को सपोर्ट करने वाली। जी हाँ दोस्तों, पूरी वीडियो देखकर जाना, बताने वाला हूँ आपको इन दोनों फोन में से कौन सा फ़ोन खरीदना है, क्योंकि भाई रियलमी 7 का जो प्राइस है वो 14-15 हज़ार के आसपास आपको मिल जाएगा फ्लिपकार्ट पर। अगर बात करें रेडमी K20 Pro की, तो भाई इसका प्राइस आपको मिलेगा लगभग 30 हज़ार के आसपास फ्लिपकार्ट पर। तो इसीलिए बताना चाहता हूँ, अगर आप इन दोनों फ़ोन को खरीदना चाहते हो कि भाई कौन सा फ़ोन खरीदें, तो आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि मेरे पास जो रेडमी K20 Pro है वो मेरे पास 1 साल पुराना हो चुका है, मैंने अभी से पुराना ही खरीदा है सेकंड हैंड। अगर बात करें रियलमी 7 की, तो वो नया फ़ोन है। अगर बात करें पबजी को ओपन करने की, तो भाई रेडमी K20 Pro ने पबजी को पहले ओपन किया है, रियलमी 7 ने थोड़े टाइम बाद कर दिया है। चलिए ग्राफिक्स देख लीजिएगा, अल्ट्रा HD को भी रेडमी K20 Pro सपोर्ट करता है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें रियलमी 7 की, तो वो HD+ High को भी सपोर्ट करता है, HDR को भी सपोर्ट नहीं करता है, बल्कि जबकि रेडमी K20 Pro अल्ट्रा HD को भी सपोर्ट करता है। मैं आपको रियलमी 7 में भी स्मूथ एक्सटिंग पर दिखाऊंगा गेम प्ले करके GFX टूल की मदद से, तो कैसा गेम प्ले होने वाला है, तो वीडियो को पूरी देखते रहना। मैं आपको एक TDM मैच स्टार्ट करने वाला हूँ पहले, उसके बाद में दिखाने वाले हैं कौन से फ़ोन में कैसी परफॉर्मेंस मिलने वाली है। चलिए HD High और इसमें अल्ट्रा HD, यानी कि दोनों फ़ोन के हाई ग्राफिक्स मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं और आपको दिखाने वाले हैं परफॉर्मेंस। चलिए पहले आपको हम एक TDM मैच स्टार्ट करके दिखाने वाले हैं। TDM मैच मैंने स्टार्ट कर लिया है, पहले आपको रियलमी 7 में TDM मैच की परफॉर्मेंस दिखा देता हूँ। अगर बात करेंगे जायरोस्कोप की, तो भाई रियलमी 7 का भी जायरोस्कोप सही है, लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे रेडमी K20 Pro से, तो भाई रेडमी K20 Pro का ही जायरोस्कोप ज़्यादा बेटर है, रियलमी 7 का उतना अच्छा जायरोस्कोप नहीं है। हालांकि आप यूज़ कर सकते हो, इतना ज़्यादा बेकार नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा एक परफेक्ट जायरोस्कोप शायद आपको ना लगे। चलिए मैंने हाई ग्राफिक्स को ही सिलेक्ट किया हुआ है, तो वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। अगर दोस्तों बात करें बैटरी की, तो हमारे रियलमी 7 में आपको 5000 mAh की बैटरी दी गई है। अगर बात करें बैटरी बैकअप की, तो रियलमी 7 का बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा खासा दिया गया है, आपको बार बार इस फोन को चार्ज करना नहीं पड़ेगा। अगर बात करें हमारे रेडमी K20 Pro की बैटरी की, तो भाई इस फोन में आपको बैटरी दी गई है 4000 mAh की। हालांकि बैकअप उसका भी ठीक है, लेकिन रियलमी 7 से बैकअप कम है, क्योंकि भाई 5000 और 4000 में थोड़ा तो फर्क होगा ही, तो इस वजह से रेडमी K20 Pro का बैटरी बैकअप रियलमी 7 से थोड़ा आपको कम मिलेगा। हालांकि ज़्यादा कम नहीं है, रेडमी K20 Pro का बैटरी बैकअप भी ठीक ठाक है, लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे दोनों फ़ोन को, तो भाई आपको रियलमी 7 का बैटरी बैकअप ज़्यादा अच्छा मिलने वाला है। अगर बात करें परफॉर्मेंस की, यानी कि इसके प्रोसेसर की, तो हमारे रेडमी K20 Pro में आपको प्रोसेसर दिया गया है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 का प्रोसेसर दिया गया भाई, जो कि गेमिंग के लिए काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है और काफ़ी अच्छे तरीके से आपको गेमिंग करा देता है। अगर आप रेडमी K20 Pro में गेमिंग करते हो, तो आपको एक अलग ही फील होता है, आप काफ़ी अच्छे तरीके से गेमिंग कर सकते हो, कोई लैग कोई फ्रेम ड्रॉप आपको नहीं मिलता है, आप किसी भी ग्राफिक्स पर कर सकते हैं। मैं आपको आगे गेमिंग करके दिखाने वाला हूँ। अगर बात करें रियलमी 7 की, तो भाई HD High में आपको इसमें लैग और फ्रेम ड्रॉप मिल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, HD High में आपको मिल जाते हैं, अगर आप 1-2 घंटे तक खेलोगे तो आपको लैग और फ्रेम ड्रॉप ज़्यादा मिलेंगे। अगर बात करें बैलेंस और स्मूथ की, तो थोड़ा गेम प्ले आपका स्मूथ हो जाता है, लेकिन आप HD High में खेलोगे रियलमी 7 में, तो आपको लैग मिल जाते हैं। मैं आपको इसमें GFX टूल लगाकर उस पर भी दिखाऊंगा कि भाई स्मूथ एक्सट्रीम में कैसे गेमिंग आप कर पाओगे। तो वीडियो आपको थोड़ी सी पसंद आए, तो लाइक करके जरूर जाना। अगर बात करें रियलमी 7 की परफॉर्मेंस की, यानी कि इस फोन के प्रोसेसर के बारे में, तो इस फोन में आपको मीडियाटेक का हीलियो G95 का प्रोसेसर दिया गया है, जो कि काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है और काफ़ी अच्छे तरीके से आपको गेमिंग करा भी देता है, लेकिन रियलमी 7 इतने अच्छे से गेमिंग आपको HD High पर नहीं करा सकता है। तो स्मूथ अल्ट्रा पर मैं आपको गेम प्ले दिखा रहा हूँ, स्मूथ एक्सट्रीम पर भी दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरी देखकर जाना बिना स्किप किए। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आए, तो आप इस वीडियो को डिसलाइक कर सकते हो। और दोस्तों कमेंट करके बताएं आपके पास में कौन सा फ़ोन है जिसमें आप गेमिंग करते हो। आपके पास में रियलमी 7 है तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपके पास में रेडमी K20 Pro है, तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आपको कैसी गेमिंग हो जाती है आपके पास जो फ़ोन है। तो चलिए आगे हम रेडमी K20 Pro में गेमिंग करने वाले हैं। मैं आपको इसी फ़ोन में क्लासिक मैच भी दिखाने वाला हूं। तो जायरोस्कोप मैंने आपको बता दिया है, रेडमी K20 Pro का बिल्कुल परफेक्ट जायरोस्कोप है। अगर बात करें रियलमी 7 की, तो उसका प्रोसेसर मतलब जायरोस्कोप आपको उतने अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा, हल्का सा मैं कहूँगा डिले है, एक परफेक्ट जायरोस्कोप नहीं है, लेकिन आप नॉर्मली यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो। चलिए देखते रहिए गेम प्ले को,
बैटरी मैंने आपको फ़ोन की बताई दी। अगर बात करें दोनों फ़ोन के अभी प्राइस की, यानी कि आपको नहीं लेने नहीं लेने वो तो मैं आपको पता कर जाने वाला हूँ वीडियो में। तो चलिए अगर बात करें, मैंने पूरा TDMH ख़त्म कर लिया है, अब मैं आपको Redmi Q20 Pro में TDMH दिखाने वाला हूँ। तो मैं अगर बात करें Realme 7 की, तो उसमें आपको HD हाई में लैग मिलेंगे और फ्रेम ड्रॉप भी मिल जाएंगे। स्मूथ और बैलेंस में फिर भी आप ठीक ठाक गेमिंग कर ले तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए Redmi Q20 Pro की जायरोस्कोप की बात करें, तो भाई बिल्कुल मक्खन सा जायरोस्कोप है, आप यूज़ कर सकते हो। चलिए मैंने HDR एक्सट्रीम ग्राफिक्स को सिलेक्ट किया हुआ है, मैं इसी में आपको दिखाने वाला हूँ। आगे ग्राफिक्स बार बार चेंज करके भी आपको दिखाने वाला हूँ कैसी परफॉर्मेंस मिलने वाली है। भाई अगर आप Redmi Q20 Pro में गेमिंग करते हो या आपने की हुई है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि भाई कितनी अच्छी गेमिंग हो जाती है। अगर मैं आपको बताऊं तो बिल्कुल काफ़ी अच्छे तरीके से गेमिंग को हैंडल कर लेता है। भले ही आप किसी भी ग्राफिक्स पर खेलिए, जायरोस्कोप यूज़ करिए मत करिए, काफ़ी अच्छा जायरोस्कोप है। तो भाई Redmi Q20 Pro एक गेमिंग फ़ोन है और काफ़ी अच्छे से आपको गेमिंग करा भी देता है। अगर आप इसमें गेमिंग करते हो तो आपको गेमिंग में 100% काफ़ी ज़्यादा सुधार भी आ जाएगा, आप एक बार ट्राई करिए। अगर आपका बजट इतना है तो भाई इस फोन के नए प्राइस की बात करें, तो लगभग 30,000 के आसपास इस फोन का प्राइस आपको फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगा। 28,000 में भी है, 29,000 में भी है और 30,000 में भी आपको इसका प्राइस मिल जाएगा। तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आपका बजट है 30,000 के आसपास, तो बिल्कुल आप Redmi Q20 Pro खरीद सकते हो, काफ़ी अच्छा फ़ोन है, काफ़ी अच्छे तरीके से गेमिंग करा देता है। लेकिन आपका बजट है 14-15 हज़ार रुपये, तो भाई आप Realme 7 को ना खरीद कर आप सेकेंड हैंड फ़ोन Redmi Q20 Pro खरीद सकते हो। अगर आपके पास में ऑप्शन है, आपको कहीं से मिल रहा है, तो आप बिल्कुल खरीद सकते हो। अदरवाइज़ Realme 7 भी ज़्यादा बेकार फ़ोन नहीं है, काफ़ी अच्छे से गेमिंग आपको करा देता है। HD हाई में तो लैग फ्रेम ड्रॉप मिल जाते हैं, वो मैंने आपको बता दिया है। लेकिन आप Redmi Note 8 Pro खरीद सकते हो, जो कि आपको 15,000 के आसपास भी मिल जाएगा, तो Realme 7 से अच्छी परफॉर्मेंस वो दे देगा। मेरे चैनल पर आपको वीडियो भी मिल जाएगी Redmi Note 8 Pro vs Realme 7, तो आप इस वीडियो को देख सकते हो, आपको आइडिया हो जाएगा कौन सा फ़ोन खरीदना चाहिए। तो भाई मेरे द्वारा बताई गई बातें आपको थोड़ी सी पसंद आ रही हैं, तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और दोस्तों आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लाऊं तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए और आप इस वीडियो को सबसे पहले देख पाओ। तो मैं आपको ग्राफिक्स बार बार चेंज करके दिखा रहा हूँ, मुझे किसी भी ग्राफिक्स पर कोई भी दिक्कत नहीं मिल रही है Redmi Q20 Pro के अंदर। काफ़ी अच्छा फ़ोन है, काफ़ी अच्छे तरीके से गेमिंग को हैंडल कर लेता है। अब कोई से भी ग्राफिक्स पर खेलिए, किसी भी ग्राफिक्स पर खेलिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है दोस्तों Redmi Q20 Pro के अंदर। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो भाई लाइक कर दो यार। और दोस्तों अगर आप किसी और फ़ोन में गेमिंग टेस्ट वीडियो देखना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और दोस्तों अगर आप कोई नया फ़ोन लेने की सोच रहे हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि भाई मेरा ये बजट है और मुझे एक अच्छा फ़ोन बता दो। आप सिर्फ बजट कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा, आपके बजट के हिसाब से एक बेस्ट फ़ोन आपको बताने की कोशिश करूंगा कि भाई आप ये वाले फ़ोन को खरीद लीजिए, काफ़ी अच्छा फ़ोन है और आपको अच्छे से गेमिंग करा देगा। अगर आप कोई सेकंड हैंड फ़ोन भी खरीद रहे हो तो भी आप एक बार मेरी राय ले सकते हो, मैं आपको बता दूंगा भाई सेकंड हैंड फ़ोन इस प्राइस में आपको ये वाला फ़ोन लेना है नहीं लेना है। मतलब जिस फ़ोन को आप खरीद रहे हो आप उस फ़ोन का नाम और जितने प्राइस में आपको मिल रहा है उसका बजट, मतलब उसका प्राइस कमेंट कर देना, आपको बता दूंगा इस प्राइस में आपको सेकंड हैंड फ़ोन लेना है नहीं लेना है। चलिए Realme 7 में मैंने आपको दिखाई दिया है, फिर से एक मैच स्टार्ट कर लिया है Realme 7 के अंदर। तो इस बार हमने इसमें JPEG टूल लगा लिया है और आपको स्मूथ एक्सट्रीम पर गेम प्ले दिखा रहे हैं। तो बताने वाला हूँ स्मूथ एक्सट्रीम को कितने अच्छे से हैंडल कर पाया, क्योंकि भाई HD हाई में आपको लैग मिले थे और फ्रेम ड्रॉप भी मिल जाते हैं। तो अगर मैं बात करूँ स्मूथ एक्सट्रीम की, तो भाई थोड़ा अभी तो मुझे स्मूथ ही लग रहा है। चलिए देखते रहिए आगे, दिखाने वाला हूँ कैसी परफॉर्मेंस देने वाला है अगर आप Realme 7 और JPEG टूल यूज़ करते हो तो। दोस्तों अगर आप Realme 7 में JPEG टूल लगाकर स्मूथ एक्सट्रीम पर गेम प्ले करना चाहते हो तो भाई कर सकते हो, अच्छे से फ़ोन गेमिंग को हैंडल कर लेता है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा क्लासिक मैच भी दिखा देता हूँ। हालांकि मैंने आपको बताया दिया है दोनों ही फ़ोन अपनी जगह अच्छे फ़ोन है, लेकिन आपको कौन सा फ़ोन लेना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। आपको अभी Redmi Q20 Pro ही लेना है। अगर आपका बजट 14-15 हज़ार रुपये भी है तो भाई आप सेकंड हैंड Redmi Q20 Pro ले सकते हो, आपको इतने प्राइस में मिल जाएगा। अगर आप नया ही फ़ोन लेना चाहते हो तो आप Redmi Note 8 Pro ले सकते हो, जो कि 15,000 के आसपास आपको मिल जाएगा, या Poco M2 Pro भी ले सकते हो, आपको Realme 7 से अच्छी गेमिंग करा देंगे। मैंने आपको बताया दिया Realme 7 की वीडियो मेरे चैनल पर आपको कई मिल जाएंगी, तो आप उन्हें भी देख सकते हो। Realme 7 अच्छे से गेम प्ले तो करा देता है, लेकिन इससे अच्छे फ़ोन भी आपको इसी प्राइस में मिल जाते हैं।
उम्मीद है वीडियो को पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। दोस्तों आज भी कुछ इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में।